हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम वजन पर आधारित शब्द पहेलियां वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन वेट को हल करना सीखेंगे। चंपापुर में जगह जगह फास्ट फूड स्टॉल्स खुलने की वजह से गांव वालों का वजन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। बढ़ते वजन के कारण से गांव वालों को बहुत सी तकलीफें हो रही हैं। गोलू, भोला और चंदा ने तय किया कि वो अपना अपना वजन कम करने की कोशिश करेंगे। गोलू, चंदा, चलो हम पहले अपना अपना वजन नाप लें, ताकि जब हम अपने प्रयासों के बाद अपना वजन कुछ दिन बाद फिर से नापें, तो हमें पता चल सके कि हमारे प्रयास कामयाब हुए या नहीं। भोला ने गोलू और चंदा से कहा, पहले मैं अपना वजन करता हूँ। भोला ये कहकर वजन कांटे पर खड़ा हो गया। हे भगवान, मेरा वजन 120 किलो हो गया है। भोला ने चौंक कर कहा, चलो अब मैं अपना वजन नाप लेता हूँ। गोलू ने कहा और वो वजन कांटे पर खड़ा हो गया। मेरा वजन तो तुम्हारे वजन से 1.5 गुना है। गोलू ने भोला से कहा, बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि गोलू का वजन कितने किलो है? गोलू का वजन भोला के वजन से 1.5 गुना है और भोला का वजन 120 किलो है। तो गोलू का वजन ढूंढने के लिए हमें भोला के वजन को 1.5 या 1.5 से गुणा करना होगा। बच्चों, आपको हमने सीखी दशमलव संख्याओं को गुणा करने की प्रक्रिया याद है ना? आइए हम इस गुणा को इस तरह से झट से कर लें। गोलू का वजन 180 किलो है। 180 किलो? मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगी। चलो मैं झट से अपना वजन नाप लेती हूँ। चंदा ने गोलू और भोला से कहा और वजन कांटे पर खड़ी हो गई। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मेरा वजन भोला के वजन का 1/6 हो गया है। पहले तो मेरा वजन इससे बहुत कम था। चंदा ने गोलू और भोला से कहा, बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि चंदा का वजन कितने किलो है? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर सोच सकते हैं। चंदा का वजन भोला के वजन का 1/6 है। इसका मतलब चंदा का वजन ढूंढने के लिए हमें भोला के वजन को 6 से भाग करना होगा। इस तरह चंदा का वजन 120/6 = 20 किलो है। हम तीनों का वजन इतना बढ़ गया है। चलो अब आज से हम केवल पौष्टिक चीजें ही खाएंगे और फास्ट फूड स्टॉल के चक्कर लगाना आज से बंद। गोलू ने भोला और चंदा से कहा। तीनों दोस्तों ने पौष्टिक चीजें खाना शुरू कर दी और देखते देखते उनके वजन कम होने लगे। बच्चों, इस वीडियो में हमने वजन पर आधारित शब्द पहेलियों वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन वेट को हल करना सीखा। अगले वीडियो में हम इसके कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।